हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये भी गणपति पापा का ब्लॉग है, जो कि पिछली वीडियो थी उसका सेकेंड पार्ट है ये, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी गणपति पापा की मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को ज़रूर कम्प्लीट देखिएगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को बड़े बड़े साइज़ की गणपति पापा की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, और साथ ही छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देख पाएंगे आप लोग, जो कि कलर हो गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ जो है दो तीन जगह की मूर्तियाँ है इस वीडियो में, तो जब भी आप कुम्हारपाड़ा जाते हैं तो सभी के यहाँ की मूर्तियाँ देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी मूर्ति कहाँ की है। तो यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है वो भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और पूरी तरह से मतलब कंप्लीट बनकर रेडी हो गई है। कलर वगैरह करना बस बचा हुआ है, जो कि गणपति पापा आते तक के वो सारा कुछ रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी यहाँ पर। तो डोंगरगढ़ में कुम्हारपाड़ा में आप लोग जा कर के वहाँ भी गणपति पापा की मूर्तियाँ देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्राइस वगैरह मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी जो मूर्ति है वो बुक भी हो गई है, और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस कमरे में देखिए सभी जो है छोटे साइज की मूर्तियाँ हैं, और ये सभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, पूरी तरह से कलर वगैरह हो गया है, मतलब कि रेडी है पूरी। तो यहाँ के मूर्तिकारों ने बताया है फ्रेंड्स कि यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनका प्राइस आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगी यहाँ मूर्तियाँ नहीं बिकती है, तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। जैसे कि सिटी में अगर आप लोग देखते हैं तो छोटी छोटी मूर्तियों की प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 हज़ार से स्टार्ट होके काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है, तो वैसे नहीं है, यहाँ आप लोगों को ठीक ठाक प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा और यहाँ के गणपति पापा को देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी यहाँ की मूर्तियाँ। तो यहाँ पे आप लोग जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे छोटे साइज़ की भी फ्रेंड्स, तो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन आप लोगों को दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे गणपति पापा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। आज की वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा आप लोग, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बड़े साइज़ की गणपति पापा की मूर्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, काफ़ी सारी जो है वो 3-4 फीट की है, और बहुत सारी जो है वो 5 फीट तक की है, और उससे भी बड़ी भी है कुछ कुछ मूर्तियाँ। तो सभी का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा यूनिक है, ये देखिए आप लोग बिल्कुल नए नए डिज़ाइन की जो गणपति पापा की मूर्तियाँ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यहाँ की गणपति पापा की मूर्तियाँ, और जितनी भी बड़े साइज की गणपति पापा की मूर्तियाँ हैं जब वो कलर हो जाएंगी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, और भी ज़्यादा मूर्तियाँ प्यारी लगेंगी, तो ज़रूर आप लोग यहाँ जाकर देख सकते हैं मूर्तियों को। तो ये देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन की मूर्ति है ये देखिए।
तो ये जो मूर्ति है ये काफ़ी बड़े साइज की है फ्रेंड्स, ये लगभग 6-7 फीट की मूर्ति है और देख सकते हैं आप लोग ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी साइज की मूर्ति भी है यहाँ पे, तो काम वगैरह भी अभी चालू है इनका, कुछ मूर्तियों में बहुत सारा काम बचा हुआ है जो कुछ कम्प्लीट है। और ये मूर्ति को देखिए आप लोग, शिवलिंग के साथ में गणपति पापा को बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये भी जब कंप्लीट होगी तो मूर्ति। ये देखिए ये भी काफ़ी बड़े साइज की मूर्ति है और ये है हमारी भोलेनाथ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है ये वाली मूर्ति रेडी होने के जब ये देखिए। और यहाँ पे साथ में गणपति पापा के साथ मूर्ति को बनाया गया है।